नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रीड। मैं इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कुछ पैरानॉर्मल गैजेट के बारे में, ठीक है। और आने वाले वीडियो में मैं भी कोशिश करूँगा कि हर गैजेट्स के बारे में आप सभी से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। तो गाइस, ये वीडियो के साथ बने रहिए और आगे देखते रहिए किस तरह से K2 मीटर या EMF डिटेक्टर हेल्प होता है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस में। दोस्तों, पहले जानते हैं ये K2 मीटर है क्या, या क्या है गोस्ट मीटर, क्या है EMF मीटर। गाइस, ये है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीड करने का एक गैजेट। 1970 में ये गैजेट बहुत ही चर्चे में था जब इसे क्लेम किया गया था कि ये गैजेट से आप स्पिरिट कम्युनिकेशन या स्पिरिट को डिटेक्ट कर सकते हो। तो एक्चुअली ये EMF मीटर है क्या? गाइस, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रीडिंग का एक मीटर है जो यूज़ होता है किसी भी डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन एंड अराउंड जहाँ पे आपका एक्सेसिव मैग्नेटिक एनर्जी रिलीज होते, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये गैजेट बनाया गया था। लेकिन ये भी दावा किया जाता है कि इससे जो है स्पिरिट्स को भी आप डिटेक्ट कर सकते हो। अब किस तरह से आप डिटेक्ट करोगे, किस तरह से K2 मीटर यूज़ होता है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, वो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। सो गाइस, लेट्स सी। ये जो K2 मीटर है, ठीक है, इस पर जो 3, 4, 5 इंडिकेटर है, ठीक है, 5 लाइट्स इंडिकेट करते हैं। जितना आप किसी भी डिवाइस के पास लेके जाओगे, चाहे मोबाइल हो, चाहे आप घर के कोई भी अप्लायंसेस हो, तो आप देखना कि इसके जो इंडिकेटर्स है ये आपको सिग्नल देना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि आपको यहाँ से डिटेक्ट आप रीड कर पाओगे कि कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी वो डिवाइस से आपका आ रहा है। अगर एक्सेसिव हो रहा है तो ये रेड हो जाएगा, मतलब आपके पास ज़्यादा वो पर्टिकुलर डिवाइस जो है वो रिलीज़ कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। अब बात है इसको पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में कैसे यूज़ करें। गाइस, ये माना जाता है कि हमारी जो बॉडी है ये एक्चुअली एक थ्योरी है, जो अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 21 ग्राम करके एक थ्योरी है, इसके बारे में मैं आने वाले वीडियो में बताऊँगा कि ये थ्योरी में ऐसा बताया गया है कि आप जब हम मरते हैं तो हमारी बॉडी से 21 ग्राम जो है वो कम हो जाता है, यानी हमारे बॉडी से कुछ तो रिलीज़ होता है डेफिनेटली, जिससे कारण जो है वो पर्टिकुलर जो 21 ग्राम होता है वो हमारे बॉडी के वेट से कम हो जाता है, ठीक है। और डॉक्टर ने भी माना कि हम जब डेथ हो जाते हैं तो देयर इज़ समथिंग दैट इज़ रिलीजिंग आवर बॉडी। तो ये भी माना गया है कि अब जब हम मरते हैं, ठीक है, तो हमारी जो सोल है या स्पिरिट है दैट कन्वर्ट इंटू अ मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्ट करना, ठीक है। अब बात है कि इसको अगर हम किसी भी जगह पे लेके जाए, गाइस जो भी इन्वेस्टिगेट करते हो आप लोग, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, इन लोग लेके जाते हैं, ठीक है, K2, थोड़ा भी लाइट जल जाता है तो ये कहीं ना कहीं पे गोस्ट प्रेजेंस या स्पिरिट प्रेजेंस के बारे में बताता है, बट ये एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको इसका बेसिक नॉलेज तो डेफिनेटली रहना चाहिए और आपको इसको पता होना चाहिए कौन सा इसका बेस रीडिंग है, ठीक है, बेस रीडिंग कौन सा है, कौन सा स्टैटिक इंडिकेशंस है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात है इसको अगर हम कहीं पे यूज़ करें इन्वेस्टिगेशन में, पहली चीज़ है EMF फ्लक्चुएट अगर आपके कोई भी एरिया में हो रहा है जब आप इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो, तो कोशिश करना पहले फाइंड आउट करने की वहाँ पर कोई फॉल्टी इलेक्ट्रिक वायरिंग या फॉल्टी कुछ हो कुछ है या नहीं। अगर है तो ये डेफिनेटली डिटेक्ट करेगा वो, और अगर नहीं है और फिर भी आपको सिग्नल दे रहा है, फिर भी आप कंक्लूशन पे कभी मत आना कि ये कोई स्पिरिट या गोस्ट है। उस टाइम आपको ये करना पड़ेगा कि गाइस, इसको यूज़ करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए स्पिरिट, आपको एक कम्युनिकेशन, एक हेल्दी कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और मैंने जो भी स्पिरिट अगर वहाँ पे है और मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर है यहाँ पे, तो अगर आप प्रेजेंस है तो आप मुझे इस पर्टिकुलर गैजेट के पास आके मुझे 3 या 4 बत्ती जलाइए, इसे बोलते हैं इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन। तो अगर वो अकॉर्डिंगली आपको बत्ती जल रहा है, फिर बंद हो जा रहा है, ठीक है, फिर आपने दोबारा सवाल पूछा, फिर ये जवाब दे रहा है, ठीक है, थ्रू द इंडिकेशन, तो ये एक स्पिरिट कम्युनिकेशन पे आप ले सकते हो, यानी आपके EMF मीटर जो है वो आपको प्रॉपर सिग्नल स्पाइक दे रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर आपका जो ये कंप्लीट लाइट है,
ये जल रहा है। मैंने बहुत सारे वीडियो पे देखा है जो ब्लॉगर्स बनाते हैं हंटिंग ब्लॉगर्स की, उसने EMF लेके गया एंड एक जगह पे आके उसका पूरा EMF का पूरा लाइट जल रहा है एंड उसने कहा कह दिया कि ना ये यू नो सम स्पिरिट्स आर देयर और सम स्पिरिट इज देयर जिसने ये लाइट पूरा जला दिया। गाइस अगर आपके पास स्टैटिक लाइट्स आ रहे हैं ना, यानी पूरा लाइट जल रहे हैं ठीक है विदाउट एनी ब्लिंक विदाउट एनीथिंग, तो इसको कभी भी आप स्पिरिट के साथ लिंक मत कीजिए, क्योंकि स्पिरिट्स के साथ अगर आप लिंक करते हो तो स्पिरिट्स आपको फ्लक्चुएशन देगा, इट विल नॉट गिव यू अ स्टैटिक सिग्नल कि वहाँ पर जाके रुक गया एंड देन आप कुछ भी पूछ रहे हो फिर भी स्टिल इट्स यू नो फाइव लाइट्स जल रहे हैं उसका, तो वो स्पिरिट्स नहीं होते ठीक है। वो आपको देखना पड़ेगा वही एरिया में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। सेकेंड थर्ड थिंग ये है कि अगर आपका साथ इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन बन नहीं रहा है या नहीं हो रहा है लेकिन सडनली फिर फ्लक्चुएट कर रहा है आपका ये EMF, तो आप कोशिश करना कि पहले जो पर्टिकुलर जगह पे आपको ये सिग्नल मिल रहा है, अगर आप कोई हॉन्टेड लोकेशन पे हो, आपने वो जगह का बेस रीडिंग ले चुके हो पहले प्री इन्वेस्टिगेशन में, तो प्री इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करते हो लेकिन अगर आपका ये ब्लिंक हो रहा है एक पर्टिकुलर जगह पे आके, देन वहाँ पे जाके थोड़ा रुकना ठीक है, प्लेस दिस वन ओके, फिर आप उनसे सवाल पूछना। जब तक आपका इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन इसके माध्यम में नहीं बनेगा आप कभी भी इसको मत बोलिए कि ये कोई स्पिरिट यहाँ पे है जिसने बत्ती जलाया। इट हैज़ टू बी अ इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ जो भी आप लोग देख रहे हो, इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन अगर नहीं बन रहा है, अगर आप सवाल पूछ रहे हो EMF मीटर के द्वारा आपके पास जवाब आ रहा है एंड नॉट ओनली वन क्वेश्चन, देयर हैज़ टू बी मल्टीपल क्वेश्चंस ठीक है, तो जाके आप उसे यू नो आपका फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो आप स्टार्ट कर सकते हो वो पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे ये इंडिकेशन हो रहा है। सपोज इसके थ्रू से आपको इंडिकेशन मिल गया कि हाँ मुझे इंटेलिजेंट रेस्पॉन्सेस आ रहे हैं, देन आप EVP पे जाइए ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना EVP रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए, फिर आप सवाल पूछिए ठीक है। जो भी है जब आप सवाल पूछते हो, मैंने देखा है कि जब अगर सवाल पूछते हो तो एक सांस में मत पूछिए ठीक है, देर हैज़ टू बी अ शॉर्ट एंडेड क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको बताया कि गोस्ट या स्पिरिट जो है वो लैंग्वेज नहीं समझते, वो आपके इंटेंशन को समझते हैं कि आपका इंटेंशन क्या है, तो उसको थोड़ा टाइम आपको देना है कि किस तरह से वो रिएक्ट करे आपके सवाल के ऊपर ठीक है। सो गिव सम टाइम, एक सवाल पूछिए, अगर आप पूछ रहे हो कि क्या यहाँ पे कोई आत्मा है या क्या यहाँ पे कोई एनर्जी है, अगर है तो आप मुझे 3 बत्ती जला के दिखाइए, ख़त्म, वेट कीजिए ठीक है, 1 मिनट 20 मिनट्स वेट कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो दूसरा सवाल पूछिए ठीक है, अगर आ रहा है तो रिलेटेड सवाल पूछिए ठीक है। इस तरह से आप एक हेल्दी कम्युनिकेशन बना सकते हो। उसके बाद जब आपको इंडिकेशन मिल गया कि हाँ डेफिनेटली यहाँ पे है कुछ, देन आप फर्दर जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो आप कर सकते हो ठीक है। तो गाइस ये वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ कि K2 मीटर डेफिनेटली काम करते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यू नो यूजबल गैजेट्स फॉर घोस्ट हंटिंग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड ठीक है। बहुत बड़े बड़े दिग्गजों ने इसको यूज़ किया है और उस पर इन लोग को रिजल्ट भी मिला है ठीक है। तो इसको यूज़ करने से पहले इसका बेसिक चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, कौन सा यू नो बेस रीडिंग होता है, कौन सा इंटेलिजेंट रेस्पॉन्सेस होता है, कौन सा स्टैटिक लाइट्स होते हैं ठीक है। तो आई थिंक इतना आप सभी के लिए काफ़ी है कि K2 मीटर सेकंड टाइम आप यूज़ कर पाओ ठीक है। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा दूसरे गैजेट्स के बारे में, मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह के गैजेट्स जो है आप सभी के सामने लाऊँ और उसको एक्सप्लेन करूँ ठीक है। सो आई थिंक आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप मिस ना करें ठीक है गाइस। सो टेक केयर, बाय बाय।